नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुशवाहा। और वैसे तो मैं आज परसेंटेज पढ़ाने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि कम से कम थोड़ा सा आप एक बार सिलेबस से रूबरू हुई है, आपको पता होना चाहिए आपको क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि बुक में तो लगभग 35-40 का आपके पास टॉपिक दिए होंगे, लेकिन वो आपको पूरे नहीं पढ़ने। जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज, आपको यही इंपॉर्टेंट है, आपको यही पढ़ने, इससे आपको पेपर निकल जाएगा, 101% निकल जाएगा। वैसे आज हम परसेंटेज पढ़ने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। फॉरेस्ट गार्ड, SSC, GD, MP कॉन्स्टेबल, जीरे पैरी और मध्य प्रदेश, या फिर आप इंडिया के कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको ये टॉपिक तो पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। मैंने ये वाले कवर क्यों किए, क्योंकि मेरे स्टूडेंट इन वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये वाले अपने कवर किए हैं। चलिए दोस्तों, बताता हूँ। देखिए, हमारा सबसे पहला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, जो प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, और इसकी जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो प्रत्येक एग्जाम में घटता बढ़ता रहता है। लेकिन हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेबल लेवल के एग्जाम के लिए, तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। उसके बाद LCM, SCF, महत्तम संवर्तक, लघुत्तम संवर्तक बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में LCM, SCF, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाइजेस्ट कॉमन SCF, ठीक है, हाइजेस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये होता है LCM, SCF, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद में आपको सिंप्लीफिकेशन मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये, क्योंकि जो एग्ज़ाम में आप तैयारी करते हो उसमें मिस्टेक क्या कर देते हो कि आप कहीं से पढ़ना चालू कर देते हो, पता चला आपने धारा वाला टॉपिक पढ़ लिया, धारा से स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है आपको, आपको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद आपको सिस्टम की पढ़ाई करनी है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊँगा जब पढ़ाएंगे। जब फिलहाल मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कौन से टॉपिक आपको कम पढ़ने, कौन से ज़्यादा पढ़ने हैं। सिंप्लीफिकेशन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको सबसे पहले ये शुरुआत के जो 5 टॉपिक पढ़ेंगे उसमें सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए कंपलसरी, ठीक है। उसके बाद वर्गमूल, घनमूल, बिल्कुल बेसिक ये जो टॉपिक दिए हैं 1 से लेके 9 तक, ये दोस्तों बेसिक टॉपिक हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करिए, ये इनसे क्वेश्चन लिखो, 1 से 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपको ये तो कंपलसरी पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ऐसे वैसे नहीं कि आपने थोड़ा पढ़ लिया काम चल गया। यहाँ से जो भी टॉपिक हैं ये आपके एक तरीके से रीजनिंग जैसे हो, मतलब मैं जी के जैसे होगा कि आपको आपने लाभ आने के ये वाला टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व होगा, इस टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व होगा, ठीक है। गिने चुने 5 से 7-8 टाइप हैं, आपको वही पढ़ने हैं बस। मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि आपको लाभ आने में मात्र 10-8 क्वेश्चन पढ़ने हैं। आपने 8 क्वेश्चन पढ़ लिया आपका खत्म। अनुपात संवाद में आपने 15 क्वेश्चन पढ़ लिया आपका टॉपिक खत्म। साझा में आपने 10 क्वेश्चन पढ़ लिया आपको टॉपिक खत्म। ऐसे ही टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन ये जो टॉपिक दिए हैं इनमें आपके ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आपको मैथ सिखाते हैं, ये जो टॉपिक हैं ये आपको मैथ सिखाते हैं, और ये जो बाकी टॉपिक हैं वो इनसे सॉल्व होता है। ये जो टॉपिक है ना वो इन्हीं से, ये वाले टॉपिक सॉल्व होते हैं। बस थोड़ा सा इसमें नियम आ जाते हैं, वो नियम के बाद में जो इक्वेशन बनती है वो इनमें से एक होती है, समझ में आए। तो आपको एवरेज पढ़ना है, जो कि बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है, और इम्पोर्टेंट तो बहुत है। संख्या पर आधारित प्रश्न दोस्तों, जैसे किसी संख्या का 10% उस संख्या से 5 अधिक है, ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे वो आपको इसमें पढ़ने होंगे। किसी संख्या में 5 का भाग देने पर 6 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या होगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में बनते हैं। मतलब टॉपिक तो आपने अलग दिया होता है, लेकिन एक्चुअल में है सब वो ही कहीं। आयु संबंधी गिने चुने क्वेश्चन है, मैं बता दूंगा, ये इसी कैटेगरी में आने वाला है। उसके बाद घातांक गणना दोस्तों बेसिक है, जैसे हमने वर्गमूल घनमूल पढ़ा है, ऐसे ही घातांक पढ़नी भी हमको पढ़ना है। ये बेसिक टॉपिक है, ये तो आपको आनी चाहिए। इसमें एक टॉपिक मैंने इंक्लूड नहीं किया दोस्तों, दशमलव वाला, कोई अलग टॉपिक नहीं है, बस नियम है। ये जो शुरू के 9 टॉपिक है ये नियम है, और उसके बाद ये जो है ये इन नियमों से होने वाले सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको परसेंटेज सबसे ज़्यादा, अगर इस पर जितने स्टार लगाऊँ उतने कम है, परसेंटेज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। आप कोई सा टॉपिक ले लीजिए, कोई सा भी टॉपिक ले लीजिए, उसमें परसेंटेज आपको दिया ही दिया होगा, एक नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। मतलब किसी संख्या का 50% तो परसेंटेज आ गया ना। यहाँ पर देखिए, अनुपात समानुपात में दूध में 10% पानी मिला है, आ गया परसेंट, ठीक है। साझा में मेरा और मेरे दोस्त ने बिजनेस चालू किया, उसमें मेरा परसेंटेज, बिजनेस में मेरा जो परसेंट है वो 60% है, तो परसेंटेज आ गया। सारे जितने भी क्वेश्चन दिए उसमें परसेंटेज के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है।
तो ये दोस्तों ये दोनों आपके वॉइस के बाद में लाभ हानि है, अनुपात समानुपात, साझा मिश्रण, ठीक है, मिश्रण मिश्रणुपात, समय एवं कार्य और पाइप और टंकी, दोनों मैंने अलग अलग टॉपिक है लेकिन एक में इंक्लूड कर दिया मैंने, ठीक है। तो एक साथ हमको ये पढ़ने हैं, समय एवं दूरी और रेलगाड़ी, ये भी आपको एक साथ पढ़ने हैं, दो अलग अलग टॉपिक है लेकिन मैंने एक साथ कर दिया है। उसके बाद में धारा वाले क्वेश्चन कभी कभार बनते हैं, ये आपको कम पढ़ना है, मतलब पढ़ना है लेकिन कुछ बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में बनते हैं। चित्रमिति दोस्तों, इससे क्वेश्चन कुछ टाइम से बहुत अच्छे पूछे जा रहे हैं, और त्रिकोणमिति से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एंगल मंगल बनने वाले जो सूर्य वगैरह की जो छाया परछाई वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो त्रिकोणमिति से आ जाते हैं। इधर टॉपिक दोस्तों आपको बेसिक पढ़ने हैं, इसके अलावा भी कुछ आपको बेसिक से कुछ चीज़ें पढ़नी हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के, मतलब कुछ टॉपिक में आपको थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है, वो मैं आपको बता दूंगा। हम चालू करेंगे प्रतिशत से, कहाँ से, प्रतिशत से, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया ना सारे टॉपिक में काम आने वाला एक टॉपिक है जो है वो परसेंटेज, तो हम परसेंटेज से चालू करेंगे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप नहीं सीख पाओगे, हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, एक परसेंटेज का ABCD से पढ़ेंगे, और पूरे उस परसेंटेज पढ़ेंगे, उसके बाद में हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे, ठीक है, संख्या पद्धति क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये सब हम सिस्टमेटिक सॉल्व करने वाले। मतलब पहले हम स्टार्टिंग के 9 जो टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में ये तो दोस्तों आपके एक एक दिन के हैं, ठीक है, इनमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये जो टॉपिक हैं ये आपके सारे एक एक दिन के हैं। गिने चुने 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, गिने चुने 8 क्वेश्चन होंगे, 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, यही है बस इनमें, लेकिन इनमें थोड़ा सा आपको सीखने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं हम परसेंटेज, और पढ़ते हैं परसेंटेज के बारे में। दोस्तों हमने सिलेबस देख लिया है, अब हमको देखना है कि अब हम, तो दोस्तों अभी हमने सिलेबस देख लिया, अब हम पढ़ेंगे प्रतिशत, प्रतिशत के कुछ बेसिक बेसिक देखेंगे, उसके बाद में हम उसका कल उसके बेसिक के साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बेसिक का दोस्तों सिंपल सा ये मतलब है कि प्रतिशत होता क्या है, दोस्तों नाम से समझ में आ रहा है, प्रति मतलब प्रत्येक और शत मतलब होता है 100, प्रति मतलब होता है प्रत्येक और शत मतलब होता है 100, मतलब प्रत्येक 100 में से कितना भाग। ये अगर पेन है, मैं इसको बताऊं कि ये पेन 100 सेंटीमीटर है, तो इसका ये कितना भाग हो जाएगा, आधा भाग हो जाएगा, मतलब ये 50% पूरे का कितना हो जाएगा, ये 50%। मैं बोलता हूँ पेन, पूरी पेन कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, पूरी पेन 10 सेंटीमीटर, तो इतना कितना होगा, ये होगा तो 5 सेंटीमीटर, लेकिन पूरी अगर 10, मैं इसको परसेंटेज में लेता हूँ तो पूरी 100% माननी पड़ेगी, समझ में। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मेरी ये पेन है ना, उसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि पेन जो, मैं आदि बोलता हूँ कि जो 10 सेंटीमीटर है ना, मतलब ये पेन है पूरी 20 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत होगी, तो प्रतिशत निकालने के लिए देखिए मैं आपको बहुत सिंपल चीज़ बताऊंगा, आप कभी नहीं भूलोगे। प्रतिशत निकालने के लिए पूरी जो चीज़ दी है ना उसको लेंगे अपॉन में, पूरी मतलब कितनी थी 20 सेंटीमीटर, तो उसको ले लिया मैंने अपॉन में, और कितनी निकालनी है मुझे, 10 सेंटीमीटर निकालनी है, पूरी 20 सेंटीमीटर अपॉन ले लिया, कितनी निकाल, कितनी ये कितनी मात ले रहे थे हम, आधी मतलब 10 सेंटीमीटर ले रहे थे, कितनी 10 सेंटीमीटर, 10 ऊपर ले लूँगा, मतलब पूरी जो दी है, पूरा जो पार्ट दिया है उसको नीचे लेंगे और जिसको निकालना है उसको ऊपर लेंगे, और इंटू कर देंगे 100 का। 100 का इंटू क्यों किया, बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं, इंटू क्यों किया, क्योंकि हम प्रति चीज़ को 100 मान के चल रहे हैं, इसलिए हमने 100 से कंपेयर करने के लिए 100 का 100 किया, आप ऐसा समझ सकते हो। तो कितना होगा, 20 × 100 कितना हो जाएगा, 50%, समझ में आया, इतना आपको समझ में आना चाहिए कि अगर प्रतिशत परसेंट निकालना है तो पूरी जो चीज़ है ना उसको बटे में लेंगे, और जितने का निकालना है उसको ऊपर ले लेंगे, 100 का कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इतना हो गया होगा। अब देखिए, यदि मैं आपसे बोलता हूँ 1/2, मतलब कितना है, मैं 1/2
तो आपके दिमाग में सीधा क्लिक करना चाहिए कितना 50%। क्लियर है? यदि मैं आपको बोलता हूँ कि मेरा आंसर आया 1/2, मतलब कितना आया वो 50%, 50% मतलब आधा होता है 1/3%, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कितना है, 1/3 है। कहीं कोई कहीं आंसर आता है 25%, मतलब आपको पता होना चाहिए 1/4 है। ये थोड़ा सा आप जब पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपको शॉर्टकट की तरह काम करेंगी, आपका दिमाग जो है उसको फास्ट चलाएंगे, शॉर्टकट की तरह काम करेंगी। ये आपको बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मतलब 50% मतलब 1/2, ठीक है, 33.33% मतलब 1/3, 25% मतलब 1/4, और 25% मतलब 1/5, 20% मतलब 1/5, ठीक है। ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ आपकी हो गई है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, गर्मी बहुत है, कल से हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे परसेंटेज की, और इसके साथ में कुछ बेसिक्स और रह गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कल से हम पूरा क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, जय हिंद, जय भारत।